प्रीव्यू हेलो एवरीवन, आई एम मेक ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स और सम अदर यूजफुल एडिटिंग ट्यूटोरियल्स टू ऑल द ट्यूटोरियल आर फॉर स्मार्टफोन यूजर्स. यू कैन वॉच मी टू एडिट और रिक्रिएट विद योर स्मार्टफोन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया फॉर एनी क्वेरीज. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एक और नई लिरिक्स में आ गए हैं हम लोग, ठीक है, और एक और नई स्पॉटिफाई रील में आ गए हैं, और एक और नया ट्रेंड और एक और नई वायरल होने के चांसेस, ठीक है. और इस ट्रेंड को आप बनाइए, और ये काफ़ी ट्रेंड वायरल हो रहा है, ठीक है. तो मैंने इस ट्रेंड को वायरल होते हुए देखा और मैंने इस पर रील बनाना, मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया, ठीक है. तो कुछ ऐसे ही नए ट्यूटोरियल जानने के लिए और कुछ ऐसे ही नए जो वायरल ट्रेंड होते हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब पर लाता हूँ, ठीक है. तो ऐसे ही ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना, ठीक है. और कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सीधा फॉलो करके एंड मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है. एंड आपको क्या कर लेना है, आपको ऐसी स्पॉटिफाई जो लिरिक्स है ना बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अपना बैकग्राउंड ऐड करना है. बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा, एक वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है. एंड इसको हम आपको एक वीडियो को एक्सपोर्ट करना है जो भी आप वीडियो बनाएंगे, एंड उससे हम ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम अपने जो स्पॉटिफाई बॉक्स होता है ना उसको बनाएंगे, ठीक है. एंड इसको कैसा कलर रखना है, इसको हम ब्लैक कलर में रखेंगे, ठीक है. एंड इधर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, एंड इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे. वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, वीडियो जिससे आपको पूरी समझ में आए. एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है. मैं कुछ ऐसी नए नए ट्रेंड लाता रहूँगा, ठीक है. और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. थैंक यू सो मच फॉर मेरे 500 सब्सक्राइबर करने के लिए. और अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर स्पॉटिफाई बॉक्स बन गया, ठीक है. एंड अब आपको उसकी फ़ोटो लगानी है जो आपका सॉन्ग होगा, ठीक है. या फिर आप कोई भी जैसे लव सॉन्ग बना रहे हैं तो आप कोई भी कवर फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है. एंड मैं एक्स एक्सटेंशन का एक सेव मी सॉन्ग है वो उस पर बना रहा हूँ, ठीक है. एंड यहाँ पे मैंने एक ऐसी रैंडम फ़ोटो ले ली है, एंड इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे. और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने जो सॉन्ग का नेम होगा ना, कोई भी सिंग मतलब जो भी आप सॉन्ग बनाएंगे ना उसका आपको नेम लिखना है विथ वाइट कलर. एंड फॉन्ट कोई भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपको अच्छा लगे आपके अकॉर्डिंग. एंड इसको ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे. करेंगे डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर उसका नेम लिख लेना है, किसका, जो भी आपका सॉन्ग है, ठीक है. इसे एक बार फिर से वही करना है, मतलब आपको फिर से इसे डुप्लीकेट करने के बाद, डुप्लीकेट इसको हम फिर से कर देंगे. डुप्लीकेट करने के बाद आपको अपना वाटरमार्क लिख लेना है. वाटरमार्क मतलब जो भी आपके चैनल का नेम है, ठीक है, उसको लिख लेंगे. मतलब चैनल का बोले तो इंस्टाग्राम का जो भी आपका नेम है, आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का नेम है उसको आप टाइप कर लेंगे. जैसे मेरे इंस्टाग्राम का नेम है VFX Vishu, तो मैं यहाँ पे VFX Vishu को VFX Vishu को मैं क्या कर लूँगा, इम्पोर्ट कर मतलब टाइप कर लूँगा, ठीक है. ना आपको इसको फुल ड्यूरेशन कर लेना है, ठीक है, जो भी आपकी लिरिक्स होगी इसको आपको फुल ड्यूरेशन कर लेना है. अब आपको क्या करना है, आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यही है, आपको क्या करना है, एक और नया प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर आपको जो भी लिरिक्स है आपको बनानी है उसको एडिट करना है. एडिट कर कैसे करना है वो आप वीडियो में देखेंगे, ठीक है. वीडियो को स्किप मत करना. आपको क्या करना है, आपको एडिट करने के लिए आपको कोई भी रैंडम मतलब रील उठा लेनी है लिरिक्स वाली जो भी आपको बनानी है, एंड उसको इंपोर्ट करके उसी को देख देख कर आपको लिरिक्स को टाइप कर लेना है, ठीक है.
टाइप करने के बाद आपको, जैसे यहाँ पे मैंने पूरी लिरिक्स लिख ली ठीक है, एंड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कैसे करना है वो आप वीडियो में देखेंगे ठीक है। क्रिएट करना है इसको, क्या करना है, पहले स्टार्ट पे फर्स्ट की फ्रेम लगाना है सबसे पहले, एंड दूसरा की फ्रेम लगाना है लास्ट में, यानी 100% कर देना पूरा। एंड इधर कंपोनेंट के ऑप्शन में जाएंगे, एंड कंपोनेंट के ऑप्शन में जाएंगे इसको हम 22 कर देंगे ठीक है। एंड 22 करने के बाद इधर आप अपने नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्केल करके ठीक है, एंड इसको -1.00 कर लेंगे। एंड सबसे नीचे आ जाएंगे, इधर ईजी इन के मिलेगा एंड ईजी आउट मिलेगा, इसको कर लेंगे। एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड इसको आप कॉपी करके दूसरी लिरिक्स पे पेस्ट कर देंगे ठीक है। जैसे कि आप अभी वीडियो में देखेंगे कि मैं कैसे करने वाला हूँ इसको, जैसे टेक्स्ट बना दिया ठीक है, टेक्स्ट बनाने के बाद इसको कॉपी करके दूसरी लिरिक्स के अंदर मतलब पेस्ट कर देंगे। Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I'm in love. और अब ऐसे ही करके हम सब में पेस्ट कर लेंगे ठीक है, जितनी भी लिरिक्स है सबको पेस्ट कर लेंगे। एंड सब लिरिक्स बनने के बाद इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट और करके कॉपी करके, और जो आपने जो स्पॉटिफाई वाली लिरिक्स बनाएंगे ना उसके अंदर आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है जो भी आपकी लिरिक्स होगी ठीक है। एंड इसको क्या कर लेना है, इसको ग्रुप के अंदर कर लेंगे अपनी लिरिक्स को ठीक है। एंड इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है ठीक है, कि लिरिक्स कहाँ पे लिखनी है ठीक है। एंड इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद आपको एक VPN को डाउनलोड कर लेना है ठीक है। VPN कहाँ से मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, आप VPN लिखेंगे वो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा ठीक है। एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तभी आपका जो कैपकट है वो चलेगा। एंड कैपकट को आपको कैसे डाउनलोड करना है, आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको कैपकट का लिंक मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पर वीडियो क्या है तैयार हो गई है, अब हम आ जाते हैं वाटर वीव वाले इफेक्ट पे। एंड वाटर वीव इफेक्ट को बनाना बहुत ईजी, यहाँ पे मेरी जो लिरिक्स है वो बन गई ठीक है। एंड अब हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, VPN को यूज़ करना है। VPN को ओपन करेंगे एंड इसे कनेक्ट कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप ये वाला भी VPN डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है, मैं टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा। और आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद इधर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है ठीक है। को इंपोर्ट कर लिया है ठीक है, बिना VPN के कनेक्ट कैपकट है जो नहीं चलेगा, तो VPN को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और कैपकट को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। एंड आपको इधर वीडियो इफेक्ट में आ जाना है, वीडियो इफेक्ट में आ जाने के बाद इधर आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्टोरेशन का इफेक्ट मिलेगा ठीक है, डिस्टोरेशन का इफेक्ट मिलेगा ठीक है, सॉरी एंड जो भी बोलते हो ठीक है। एंड इधर आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा रेपल डिस्टोर जो भी हो ठीक है। इधर ब्लर को आपको क्या करना है, कम कर देना है ठीक है। ब्लर तो मतलब ना बराबर रखना है, मतलब ब्लर को रखना ही नहीं है ठीक है। और अब आपको क्या करना है, शार्पन को थोड़ा सा कर देना है, एंड इधर स्पीड में आ जाएंगे थोड़ा सा कम करके, एंड ट्विस्ट को थोड़ा कम कर देना ठीक है, एंड स्पीड को 30 रखना, एंड इंटेंसिटी को भी 30 रखना। एंड वीडियो आपकी क्रिएट हो गई है, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और मैं ऐसे नए नए ट्रेंड्स लाता रहूँगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ठीक है। एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना ठीक है। एंड मैंने एक और ग्रुप बनाया है, जिससे आप वहाँ पे हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
I am happy.